जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तुम पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो, उसमें मुख्यतः अनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवक पौधों व जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भैसजिक व जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी की उपयोग चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक कृषि में अनुवांशिकता, रूपांतरित फसलें, संसाधित खाद्य, जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। पहला, उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों व शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना, उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिक द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना तथा अनुप्रवाह प्रक्रम तकनीकी का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार से लगा हुआ है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। पहला, कृषि रसायन आधारित कृषि, कार्बनिक कृषि और अनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में 3 गुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों, खाद्यों तथा पीड़कनाशियों का प्रयोग एक कारण है। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफी महंगे पड़ते हैं, वह परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों में उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता है जिसमें अनुवांशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों से सर्वाधिक उत्पादन ले सकेगा? क्योंकि ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खादों का, रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को घटा सकते हैं। अनुवांशिकता रूपांतरित फसलों का उपयोग ही इस समस्या का हल है। ऐसे पौधे, जीवाणु कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, अनुवांशिकता रूपांतरित जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। जीएमओ का व्यवहार हस्तांतरित जीन की प्राकृतिक परिपोषी पौधे, जंतुओं या जीवाणुओं की प्राकृतिक व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीएम पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। अनुवांशिक रूपांतरण द्वारा अजैव प्रतिबलों, ठंडा सूखा लवण ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण है। रासायनिक पीड़क नाशों पर कम निर्भरता करना, पीड़क नाशी प्रतिरोधी पर कटाई पश्चात होने वाले अनादरी नुकसानों को कम करने में सहायक, पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि या शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। खाद्य पदार्थों के पोषणीय स्तर में वृद्धि, उदाहरणतः विटामिन व समृद्ध धान, गोल्डन राइस, उपयुक्त उपयोगों के साथ साथ जीएम का उपयोग तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधन के रूप में उपयोग में वसा, ईंधन व भोज्य पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे, वह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है जो पीड़क नाशकों की मात्रा को कम कम प्रयोग में लाती है। बीटी का एक प्रकार की जीव विष है जो एक विषाणु जीवाणु जिसे बेसिलस थ्रीनजीएसिस संक्षिप्त में बीटी कहते हैं, इससे निर्मित होता है। बीटी जीव विषीय जीन जीवाणुओं से क्लोनकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीड़ों पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस तरह से जैव पीड़कनाशों का निर्माण होता है। उदाहरणतः बीट कपास, बीट मक्का, धान, टमाटर, आलू व सोयाबीन आदि। बीट कपास बैसिलस थुरिनाजिएसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लिथिडोप्टेरन, तंबाकू की कलिक कीड़ा,
सैनिक कीड़ा कोलियोप्टेरान भृंग व डिप्टेरॉन मक्खी मच्छर को मारने में सहायक है। बी थुरिनाजिएंसिस अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन द्रावक का निर्माण करती है। इन रोगों में विषाक्तता कीटनाशक प्रोटीन होता है। यह जीव विष विषिलस को क्यों नहीं मारता है? वास्तव में बीट जीव विष प्रोटीन प्राकजीवी विष निष्क्रिय रूप से होता है। जो ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बंधकर उसमें छिद्र का निर्माण करते हैं, जिस कारण से कोशिकाएं फूल कर फट जाती हैं और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। विशिष्ट बीट जीव विष जींस बैसिलस थुरिनाजिएंसिस से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जींस का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, जबकि सर्वाधिक बीट जीव विष कीट समूह विशेषता पर निर्भर करते हैं। जीव विष जिस जींस द्वारा कूटबंध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण स्वरूप जो प्रोटीन जींस क्राई एक एसी व क्राई दू एबी द्वारा कूटबंध होते हैं, वे कपास के मुकुलन क्रम को नियंत्रित करते हैं। चित्र 12.1 जबकि कराई एक एबी मक्का छेदक को नियंत्रित करते हैं। और बहुत दो चित्र दिखाई गई हैं। कपास अवाले में गोलक सलभ क्रम को क्रम द्वारा नष्ट, बवाले पूर्णतया परिपक्व कपास का गोलक दिखाई गई है। चित्र 12.1 पीड़क प्रतिरोधी पौधा विभिन्न सूत्रकृमि मानव सहित जंतुओं व कई किस्म के पौधों पर परजीवी होते हैं। सूत्रकृमि मिलाउडेगाइन इन कोग निशिया तंबाकू के पौधे की जड़ को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया है जो आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है। आरएनए अंतरक्षेप सभी सममी केंद्रीय जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए पूरक द्विसूत्रीय आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दूत आरएनए के स्थानांतरण ट्रांसलेशन को रोकता है। इस द्विसूत्रीय आरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम परांतरिक ट्रांसपोजन के प्रतिकृति के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए हैं। एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश कराया जा चुका है। चित्र 12.2 डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषीय कोशिकाओं में अर्थ सेंस व प्रति अर्थ एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं जो द्विसूत्रीय आरएनए का निर्माण करते हैं, जिससे आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होता है और इसी कारण से सूत्रकृमि के विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप परजीवी पर पोषीय में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं रह पाता है। इसी प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से करते हैं। चित्र 12.2 अ ब पोषीय पादप जनित डीएसआरएनए द्वारा सूत्रकृमि ग्रसन के विरुद्ध सुरक्षा में वृद्धि। अवाले में प्ररूपीय नियंत्रित पादप मूल बवाले में 5 दिन तक जानबूझकर सूत्रकृमि द्वारा परजीवी पादपों की जड़ों का संक्रमण तथा साथ ही नवीन विधि द्वारा सुरक्षा के चित्र दिखाई गई हैं। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पुनः योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियों का अवांछित प्रतिरक्षा प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पाद जो
अमाननीय मानवीय स्रोतों से विलगित किए गए हैं। वे अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योजक चिकित्सीय औषधियां विश्व में मनुष्यों के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी हैं। वर्तमान में इनमें से 12 भारत में विपणित हो रही हैं। अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन वयस्क में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। मानव इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध न होने पर मधुमेह रोगी क्या करेंगे उस पर विचार करने पर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें अन्य जानवरों से इंसुलिन वियुक्त कर उपयोग में लाना होगा। क्या अन्य जंतुओं से वियुक्त इंसुलिन मानव शरीर में प्रभावी है और उसका मानव शरीर के प्रतिरक्षा अनुक्रिय पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता है? तुम कल्पना करो कि यदि कोई जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता है तो निश्चय ही पूरी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तुम आसानी से ऐसे जीवाणु को अधिक मात्रा में विकसित कर जितना चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन बना सकते हो। सोचो, क्या इंसुलिन मधुमेह लोगों को मुख्य से दिया जा सकता है कि नहीं? क्यों? मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलिन जानवरों व सुअरों को मारकर अनेक अग्नाशयों से निकाला जाता है। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में प्रति ऊर्जा एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी। इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए व श्रृंखला बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। चित्र 12.3 मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन प्राक एंजाइम्स की तरह प्राक हार्मोन को पूर्ण परिपक्व व क्रियाशील हार्मोन बनाने के पहले संसाधित होने की आवश्यकता होती है। संश्लेषित होता है जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं। सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन से नहीं होता, जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है और आरडीएनए तकनीकों का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप में तैयार किया जाता है। 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती है, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया। चित्र 12.3 प्राक इंसुलिन की सी पेप्टाइड के अलग होने के बाद इंसुलिन में परिपक्वता। प्राक इंसुलिन SS से सल्फर से जुड़ा दिखाया गया है। सल्फर नीचे में सल्फर 3 वाले 3 सल्फर 1, 2, 3 सल्फर से जुड़े हैं। ए पेप्टाइड इंसुलिन बी पेप्टाइड से स्वतंत्र सी पेप्टाइड से जुड़ा हुआ दिखाया गया। चित्र 12.3 में जीन चिकित्सकीय। यदि एक व्यक्ति अनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है? जीन चिकित्सा ऐसा ही एक प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोष का सुधार किया जाता है, जिसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का पहल प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डी एमिनेज ADA की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। उपरोक्त समस्या जो एंजाइम्स एडिनोसिन डी एमिनेज के लिए जिम्मेदार है, जो इसके लोप होने के कारण होता है। कुछ बच्चों में ADA की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है, जबकि दूसरे में एंजाइम्स प्रतिस्थापन चिकित्सीय द्वारा उपचार किया जाता है, जिसमें सुई द्वारा रोगी की सक्रिय ADA दिया जाता है। उपरोक्त दोनों विधियों में यह
कमी है कि ये पूर्णतः रोगनाशक नहीं है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसिकाणु को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए का सीडीएनए पश्च विषाणु संवाहक का प्रयोग कर लसिकाणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस करा दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृत प्राय होती हैं, इसलिए अनुवांशिक निर्मित लसिकाणु को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं में विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भूणी अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक अस्थायी उपचार हो सकता है। आणविक निदान, आप जानते हैं कि रोग के भावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान व उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझाना अति आवश्यक है। उपचार की परंपरागत विधियों सीरम व मूत्र विश्लेषण आदि का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया व एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक और मापन एलाइज कुछ ऐसे तकनीकी हैं जिसके द्वारा रोग के प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। रोगजनक जीवाणु विषाणु आदि की उपस्थिति का सामान्यता तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से काफी अधिक हो चुकी होती है। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु उस समय जब रोगों के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते तो हो तब उनकी पहचान पीसीआर द्वारा उनके न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन द्वारा कर सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि पीसीआर द्वारा डीएनए की बहुत कम मात्रा की पहचान कैसे की जाती है? संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान हेतु पीसीआर आजकल सामान्यतया उपयोग में लाया जा रहा है। इसका उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाली उत्परिवर्तनों को पता लगाने में भी किया जा रहा है। यह एक उपयोगी तकनीकी है जिसके द्वारा बहुत सारी दूसरी अनुवांशिक दोष की पहचान की जा सकती है। डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से एक विकिरण सक्रिय अणु संपरीक्षित जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं जिसके बाद में विकिरणी चित्रण ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। क्लोन जिसमें उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं छायाचित्र पटल फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि सब परिचित प्रोब व उत्परिवर्तित जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। एंजाइम से अलग न प्रतिरक्षा शोषक अमाप एलाइज प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रोग जनक के जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों प्रोटीनजन ग्लाइकोप्रोटीन आदि की उपस्थिति या रोग जनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जाती है। परजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होते हैं जो अपना लक्षण व्यक्त करता है उसे परजीवी जंतु कहते हैं। परजीवी चूहों खरगोश सुअर भेड़ गाय व मछलियां आदि पैदा हो चुके हैं उसके बावजूद उपस्थित परजीवी जंतुओं में 95% से अधिक चूहे हैं। उस तरह के जंतुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है? इस तरह के परिवर्तन से मानव को क्या लाभ है? अब हम इस कुछ सामान्य कारणों का पता करेंगे। सामान्य शरीर क्रिया व विकास परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों के नियंत्रण व इनका शरीर के विकास व सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणतः विकास में भागीदारी जटिल कारकों जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारकों का अध्ययन दूसरी जाति स्पीशीज के जीन्स को प्रवेश करने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाली परिवर्तन से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा कारकों की शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। रोगों
का अध्ययन। अनेकों परजीवी जंतुओं इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिनसे रोग के विकास में जिनकी भूमिका क्या होती है, यह विशिष्ट रूप से निर्मित है जो मानव रोग के लिए नमूने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचार का अध्ययन हो सके। वर्तमान समय में मानव रोग जैसे कैंसर, पुटिका, रेशमा यत, सीटिक फाइब्रोसिस, रूमेट वायर्ड संधिशोथ व एल्जीमर हेतु परजीवी नमूने उपलब्ध हैं। जैविक उत्पाद कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती हैं। ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पादों का निर्माण करते हैं उनमें डीएनए के भाग जीनों को प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पाद के निर्माण में भाग लेते हैं। उदाहरणतः मानव प्रोटीन अल्फास्वन एंटी ट्रिप्सिन का उपयोग इम्फासीमा के निदान में होता है। ठीक उसी तरह का प्रसार फिनाइल क्यूटोन्यूरिया पीकेयू व पुटिया रेशमायता के निदान हेतु किया गया है। वर्ष 1977 में सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया गया। इस दूध में मानव अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है जो साधारणतः गाय दूध में नहीं मिलता है। टीका सुरक्षा टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों को विकसित किया गया। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। यदि उपयुक्त प्रयोग सफल और विश्वसनीय पाए गए तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहों का प्रयोग किया जा सकेगा। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण यह अविषालुता सुरक्षा परीक्षण कहलाता है। यह वही विधि है जो औषधि अविषालुता परीक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। परजीवी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन इसे अविषालु पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं जबकि अपरजीवी जंतु में ऐसा नहीं है। परजीवी जंतुओं को अविषालु पदार्थों के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त जंतुओं में अविषालु परीक्षण करने से कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाता है। नैतिक मुद्दे मानव जाति द्वारा अन्य जीवधारियों में हित साधन बिना विनिमय के और अधिक नहीं किया जा सकता। सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हो उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है। ऐसे मुद्दे में नैतिकता से इनमें जैव वैज्ञानिक महत्व भी है। जीवों में अनुवांशिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं जब ऐसे जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाए। इसीलिए भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को स्थापित किया है जैसे कि GEAC जीनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अर्थात अनुवांशिक अभियांत्रिक संतुष्टि समिति जो कि GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिक तथा जन सेवाओं के लिए GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेगी। जन सेवा जैसे कि आहार व चिकित्सा स्रोत हेतु में जीवों के रूपांतरण उपयोगिता जो इनके जीवों के लिए अनुमत एक स्वयं की समस्या उत्पन्न हुई है। जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कंपनियां अनुवांशिक पदार्थों पौधों व अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर बनाने वाले उत्पादों व तकनीकों के लिए एक अश्व पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं जबकि यह बहुत कम पहले से विकसित व पहचानी जा चुकी हैं और किसान तथा विशेष क्षेत्र या देशों के लोगों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है। धान एक महत्वपूर्ण खदान है जिसके बारे में हजारों वर्ष पूर्व एशिया के कृषि के इतिहास में उड़न मिलता है। एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में मिलती हैं। भारत में धान की जो विविधता है वह विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में एक है। बासमती धान अपनी सुगंध व स्वाद के लिए मशहूर है और इसकी 27 पहचानी गई किस्में भारत में उगाई जाती हैं। पुराने ग्रंथों लोक साहित्य व कविताओं में बासमती का वर्णन मिलता है जिससे यह पता चलता है कि यह कई सौ वर्ष पहले से उगाया जाता रहा है। वर्ष 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन एक स्व
वह ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एक स्वय अधिकार प्राप्त कर लिया था। इससे कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका व विदेशों में बेच सकती है। बासमती की यह नई किस्म वास्तव में भारतीय किसानों की किस्मों से विकसित की गई थी। भारतीय बासमती को अर्ध बौनी किस्मों से संकरण कराया गया नई खोज या एक नई उपलब्धि का दावा किया था। एकाधिकार के लागू होने के बाद इस एकाधिकार के तहत अन्य लोगों द्वारा बासमती का विक्रय प्रतिबंधित हो सकता था। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा इसकी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधन का उपयोग करना बायो पायरेसी कहलाता है। बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी संपन्न है, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है। इसके विपरीत विकसित व अविकसित विश्व जैव विविधता व जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान से संपन्न है। जैव संसाधन से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप इनके व्यापारीकरण के दौरान समय, शक्ति व खर्च को बचाया जा सकता है। विकसित व विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति व लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। इसके कारण कुछ राष्ट्रों ने अपने जैव संसाधनों व परंपरागत ज्ञान का बिना पूर्व अनुमानित के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियमों को बना रहे हैं। भारतीय संसद ने हाल ही में भारतीय एकस्व बिल इंडिया पेटेंट बिल में दूसरा संशोधन पारित किया है, जो ऐसे मुद्दों को ध्यानार्थ लेगा जिसके अंतर्गत एकस्व नियम संबंधी आपातकालिक प्रावधान तथा अनुसंधान एवं विकासीय प्रयास शामिल है। सारांश: सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व अनेक उपापचयी कार्य प्रणाली का उपयोग करते हुए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा मनुष्य के लिए कई उपयोगी पदार्थों का निर्माण हो चुका है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी ने ऐसे सूक्ष्म जीवों, पौधों व जंतुओं का निर्माण संभव कर दिया है जिनमें अभूतपूर्व क्षमता निहित है। अनुवांशिकता रूपांतरित जीवों का निर्माण एक या एक से अधिक जीन का है। एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण की प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किया गया है। जीएम पौधे का उपयोग फसल उत्पादन बढ़ाने, पश्चिम फसल उत्पादन नुकसान में कमी व फसलों का प्रतिबंधों के प्रति अधिक सहनशील बनाने में अत्यधिक उपयोगी है। ऐसे बहुत जीएम फसल पौधे हैं जिनका खाद्य पौष्टिक स्तर काफी उन्नत है। वह उन पीड़क प्रतिरोधी फसलों की रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता काफी कम है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी प्रक्रिया का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इनके द्वारा सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावशाली औषधियों का निर्माण संभव है। पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियां मनुष्य के प्रोटीन के समतुल्य है, इस कारण से इनका प्रतिरक्षात्मक अवांछित प्रभाव नहीं पड़ता है व इनके संक्रमण के खतरे भी नहीं होते हैं। जैसा कि अमानवीय स्रोतों से विलगित इस प्रकार के पदार्थों से होता है, जीवाणु में रचित मानव इंसुलिन जो संरचनात्मक प्राकृतिक अणु से पूर्णतः समान होते हैं, परजीवी तंतु मानव रोग जैसे कैंसर, पुटिक रेशमयता, रूमेटोवायड, संधि शोध व एल्जीमर के लिए नमूने के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिससे हमें रोगों के विकास में जीन की भूमिका को पता लगाने की सुविधा होती है। जीन चिकित्सा खासतौर से अनुवांशिक रोगों को दूर करने के लिए व्यक्ति विशेष की कोशिकाओं व उत्तकों में जीन को प्रवेश कराते हैं, जिसके कारण खराब उत्परिवर्तन विकल्पी के स्थान पर सक्रिय विकल्पी या टीन टारगेटिंग के द्वारा उपचार होता है, जिनमें जीन प्रवर्धन शामिल है। विषाणु जो अपने परपोषी पर आक्रमण कर अपने विभाजक चक्र के लिए अपना अनुवांशिक पदार्थ परपोषी की कोशिकाओं में प्रवेश करता है, इसे संवाहक के रूप में प्रयोग कर स्वास्थ्य जीन या नए जीन के भाग को स्थानांतरित किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों, पौधों व जंतुओं के व्यवहार के प्रति वर्तमान दिलचस्प ने गंभीर नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए हैं।